नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं बिजनौर, जहां पर यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुब्बारे उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर किया। यातायात रैली में अनेक स्कूल के छात्राओं ने भाग लिया। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ यह रैली निकली। आप देख रहे हैं डीएम और एसपी झंडी दिखाकर रैली को रवाना कर रहे हैं। रैली में विभिन्न स्कूल की छात्र छात्राएं मौजूद हैं और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुए जा रही हैं। रैली का मुख्य उद्देश्य है, छात्र छात्राओं को समझाया गया है कि वे स्कूल आते समय यातायात नियमों का पालन करें और अपने परिवार और अन्य सदस्य को समझाएं कि यातायात करते समय नियमों का पालन करें, जिससे सकुशल अपने घर जा सके, जिससे समाज और देश में तरक्की रहे। यातायात सप्ताह आज जिलाधिकारी और एसपी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राएं, एनसीसी के छात्र छात्राएं इस रैली में भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं बिजनौर में निकाली जा रही है यातायात माह के सौजन्य से रैली। रैली में स्कूल के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, यातायात पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। कि हम यातायात नियमों का अनुपालन करेंगे और दूसरों को भी अनुपालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे हमारा पूरा समाज, हमारे सारे लोग सुरक्षित रह सके और सकुशल यात्रा कर सकें। और इस कार्यक्रम के लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को, जो उन्होंने युवाओं को जोड़ा है, बच्चों को जोड़ा है, एनसीसी के एक्सएस के कैडेट्स को जोड़ा है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। क्योंकि इन्हीं बच्चों से, इन युवाओं से बड़ी आशा है, इन्हीं से आशा है कि ये समाज में एक नई जागरूकता, एक नया अभियान शुरू करेंगे। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आपकी लेखनी, आपकी वाणी का बड़ा प्रभाव होता है, जन जन तक इस भाव को पहुँचाएं, लोग जिससे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और सुरक्षित यातायात के लिए हम अपने समाज और राष्ट्र के अच्छे निर्माण में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। इस बार के 10 लाख रुपए का शवन वसूला गया है और 30,500 चालान हुए हैं, लेकिन इससे इस संख्या से फर्क नहीं पड़ता। यातायात वहाँ तभी सार्थक होगा जबकि लोग खुद यातायात नियमों के प्रति जागरूक होंगे और मूल उद्देश्य इस माह को बनाने का, वैसे तो 12 महीने हम काम करते हैं लेकिन समारोह पूर्वक हम इस माह को बनाते हैं। उद्देश्य ये है कि आपके अंदर एक जागरूकता नियमों के प्रति और इस बात का बोध पैदा हो, इस बात की अनिवार्यता को आप स्वयं महसूस करें कि यातायात नियमों का पालन करना समाज के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैं सारे मीडिया के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से और कोशिश करूंगा इस बार की अधिकाधिक लोग जागरूक हों और स्वयं यातायात नियमों के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको महसूस करें और उसका पालन करें। धन्यवाद। ये कार्रवाइयों का विवरण इन्होंने मेरे सामने रखा है। ई रिक्शा पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ई रिक्शा में जैसे क्या है कि बहुत से ई रिक्शा ऐसे हैं जो प्राधिकृत कंपनियों के द्वारा नहीं बनाए और ये यातायात का उल्लंघन है, नियम का उल्लंघन है। इस समय हमने ब्लैक स्पॉट 8 चिन्हित किए हैं, जिन पर सुधार का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए कितनी अलार्मिंग डेटा है। जनवरी 22 से अक्टूबर 22 तक जनपद में 453 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 316 मृत्यु हुई और 334 व्यक्ति घायल। अब आप समझ लीजिए कि कहा जाता है कि रोड जो है, अगर आप मर्डर की बात करें तो मर्डर से कहीं गुना ज़्यादा सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और इसके प्रति अगर हम सजग नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये एक चेतावनी वाली स्थिति। चिंताओं का चिंता हम सभी से अपील करेंगे कि यातायात माह को सभी लोग
इसको मनाए और ये सभी में संदेश जाए कि हम अपने जो यातायात के नियम हैं उनका सख्त से पालन करें, उनसे सड़क चलने वाले हर व्यक्ति सुरक्षित रहें और सब सफल अपने घर जा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कमी होनी चाहिए और इसके लिए सभी लोग जब तक साथ नहीं देंगे तब तक इसका लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता। हम सभी बिजनौर के नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि वह शत प्रतिशत चाहे सीट बेल्ट लगाना हो, चाहे हेलमेट पहनना हो, बाएं तरफ से निकलना है या क्रॉसिंग कैसे की जाए, इन सारे नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन करें और आगे आए।